गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे विल स्टडी एक्सरसाइज 1.3 व्हिच इज ऑन पेज नंबर 11। एक्सरसाइज 1.3 पेज नंबर 11। आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज 96,321 and 75,632। इन दोनों नंबर्स का पहले हमें पीरियड्स मार्क करने हैं। कैसे करेंगे? वंस टेंस हंड्रेड कॉमा थाउजेंड टेन थाउजेंड, अगेन वंस टेंस हंड्रेड कॉमा थाउजेंड टेन थाउजेंड। अब इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? 96,321। सेम वे 85,632 एंड 8,56,320। पहले हम पीरियड्स मार्क करेंगे। वंस टेंस हंड्रेड कॉमा थाउजेंड टेन थाउजेंड, वंस टेंस हंड्रेड कॉमा थाउजेंड टेन थाउजेंड कॉमा एंड लैख। अब इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? 8,56,320। नेक्स्ट 1,99,2,364, देन 1,99,2,3695। सबसे पहले पीरियड्स मार्क करेंगे। वंस टेंस हंड्रेड कॉमा थाउजेंड टेन थाउजेंड कॉमा लैख टेन लैख, देन वंस टेंस हंड्रेड कॉमा थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख टेन लैख। अब इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? 19,92,364 और 19,93,695, which one is greater? This one is the greater। फिर है question number 2। question number 2 कह रहा है कि descending order में लिखो, numbers को descending order में लिखना है। numbers है 20,549, then 19,680, then 54,187 and then 65,781। ये नंबर्स हैं। इन चारों नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? बताओ कौन सा है? देखो सारे बच्चे ध्यान से। 20,549, 19,680, 54,187, 65,781। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है 65,781 सबसे बड़ा। उससे छोटा 54,187, उससे छोटा 20,549 और सबसे छोटा 19,680। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक पार्ट मैंने कराया, एक पार्ट आपका होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3। अब हमें लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। किसमें लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। अब हमें असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। सबसे छोटा नंबर यहां पे कौन सा है? 23,658। फिर उससे बड़ा नंबर कौन सा है?
63,254. उससे बड़ा नंबर कौन सा है? दिस वन और दिस वन? 78,965 या 78,965? और डिजिट्स है हमारे पास 8, 6, 7, 3, 4, 1. लेकिन उस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ. इफ आई एम राइटिंग 2, 3, 5 तो ये अभी डिजिट्स हैं. डिजिट्स और नंबर्स में क्या डिफरेंस होता है? अगर हर एक डिजिट के बाद कॉमा होता है, हर एक नंबर के बाद कॉमा, तो वो डिजिट होती है. डिजिट 2, डिजिट 3, डिजिट 5. लेकिन अगर मैं यहां से कॉमा हटा दूंगी तो ये अब ये नंबर बन गया 235. अगर इनके बीच में कॉमा है तो ये अलग अलग डिजिट है, डिजिट 2, डिजिट 3, डिजिट 5. लेकिन अगर यहाँ पे कॉमा नहीं है तो ये क्या है? नंबर है 235. तो सबसे पहले मैं ग्रेटेस्ट नंबर बनाती हूं, देन स्मॉलेस्ट. ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हम कौन सा ऑर्डर फॉलो करते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर. कौन सा ऑर्डर फॉलो करते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा. तो यहाँ पे सबसे बड़ी डिजिट 8, देन 7, देन 6, देन 4, देन 3 एंड देन 1. अब कॉमा कैसे लगेगा? वही प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग. 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 1,00,000. और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए कौन सा ऑर्डर फॉलो होता है? असेंडिंग ऑर्डर. 1, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 1,000, 10,000, 1,00,000. इस तरीके से हम ऑर्डर्स को सॉरी कॉमा को लगाते हैं. एक और नंबर देती हूं. अगर यहाँ पे जीरो होता है, या आपने क्लास थर्ड में भी पढ़ा है, जैसे डिजिट्स हैं 7, 1, 0, 3, 8, 9. सेम वे ग्रेटेस्ट नंबर में डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो होता है. तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 9, 8, 7, 3, 1, 0. कॉमा लगाएंगे. 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 1,00,000. लेकिन अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और डिजिट हमारे पास जीरो भी है, तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाते टाइम जीरो हमेशा सेकंड प्लेस पे आता है. जीरो हमेशा कौन सी प्लेस पे आएगा? सेकेंड प्लेस पे आएगा. तो हम विल स्टार्ट फ्रॉम 1, then 0, then 3, 7, 8, 9. कॉमा लगाते हैं. 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 1,00,000. इस तरीके से हम ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं. एक और क्वेश्चन करते हैं इसी का ही. डिजिट्स है 4, 5, 8, 0, 1. ग्रेटेस्ट के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर 8, 5, 4, 1, 0. 1, 10, 100, 1,000, 10,000. स्मॉलेस्ट नंबर के लिए असेंडिंग ऑर्डर, लेकिन यहाँ पे जीरो भी है. जीरो हमारा सेकंड प्लेस पे आएगा. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 1, 0, 4, 5, 8. 1, 10, 100, 1,000, 10,000. तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1. आगे हम इसे कंटिन्यू करेंगे. तब तक जितना भी वर्क आपको मिला है वो वर्क मैं आपको सेंड करूंगी. आपको नोटबुक में करना है एंड देन यू नीड टू प्रैक्टिस द होल एक्सरसाइज ऑफ 1.3 एंड क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.4. थैंक यू.